अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हैं। सो आज उठन है और हम रेडी हो चुके हैं उठन के लिए और मेरा ये अटायर है, पीछे बैक कैमरे से पूरा दिखाओ। सो जी हाँ, ये अटायर हमारा उठन का है। मैं जल्दी जल्दी रेडी हूँ, मैंने कोई शूट नहीं करा है कि आप लोगों को क्लोजअप से मतलब एकदम सामने से दिखाया नहीं कि क्या पहनना क्या नहीं, क्योंकि बच्चे भी नहीं जा रहे। अभी मुझे जाना है दुल्हन के घर, सारी बहनों को गुड मामों ने सभी को बोला है, और तो इसी वजह से शाहजहन और बच्चे मेरे, मेरी सास, हस्बैंड सब पीछे से आएंगे। तो फिलहाल अभी जल्दी जल्दी चलते हैं और वो जल्दी चलते हैं, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे अपने यहाँ का उठन। पहले दुल्हन के घर जाते हैं, वहाँ का कुछ दिखा देते हैं आप लोग को, और उसके बाद वहाँ पर। सो बस यहाँ गुड्डू मामू के घर पहुँच गए थे और यहाँ पर रस्म होने की तैयारियाँ शुरू हो रही हैं। ये जुबिया अपी हैं, दिल्ली से सब आई हुई हैं, उनकी बेटी। सो ये देखिए माशाल्लाह से हुज़ैफ़ा की हल्दी आई, पूरी सजावट इतनी खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह से। और यहाँ गुड्डू मामू ने हाथों के गजरे बनवाए थे सभी के लिए, इनफैक्ट हमारे यहाँ पर उपटन में दुल्हन वाले जो आते हैं उनके लिए भी बनवाए थे गुड्डू मामू ने, और ये हम लोग को पहना रहे थे। प्लीज़ मेरी आवाज़ को बैर कर लीजिएगा, बहुत बुरी तरीके से बैठी हुई है। माशाल्लाह, और ये है मेरे मामू मामी, माशाल्लाह से इतने खूबसूरत लग रहे थे। गजाला मामी आई है, गजाला मामी जो भी आप देखते रहे। गजाला मामी खड़े हो जाइए ना, आपने बोले ना वीडियो बनाने के लिए। एक दुल्हन के लिए तैयार करी गई है और एक हुज़ैफ़ा के लिए तैयार करी गई है ये रस्म की थाली। सो ये देखिए जिसमें उपटन है, मिठाई है और ड्राई फ्रूट्स हैं, और इतनी अच्छी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही थी। सो बस अब हम लोग निकल रहे थे, दुल्हन के घर जा रहे थे, और जो भी सामान मैंने मेहंदी के ब्लॉग में आप लोग को दिखाया था दुल्हन का, वो सब हमारे साथ जा रहा था। यहाँ पर दुल्हन के कपड़े, ये पूरा जेवर का दुल्हन का सूटकेस। हमारे यहाँ पर ये रस्म है, पहले ही जेवर दे दिया जाता है ताकि दुल्हन रेडी हो जाए, और वहाँ दुल्हन के घर वाले भी सब देख ले जा क्या क्या सामान दिया है। और माशाल्लाह से दुल्हन बहुत प्यारी लग रही थी। डोंट वरी, मेरे कैमरे से बहुत अच्छा आ रहा है, फोटो भी साथ में चल रहा है, लुक हो गई है बस।
यहाँ पर रस्में स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ गजाना मामी दुल्हन को भी अंगूठी पहना रही हैं और दुल्हन की अम्मी को भी अंगूठी पहना रही हैं। ये चीज़ें इतनी इमोशनल कर देती हैं ना, बस रस्में शुरू होती हैं और दुल्हन की आँख से आंसू गिर जाते हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है ये हर एक दुल्हन के लिए। यहाँ पर फूलों का गजरा वजरा सब बनवा के लेकर आए थे दुल्हन के लिए, तो वही पहनाया जा रहा है। बस एक एक करके सब आएंगे, रस्में करेंगे और फिर इसी तरीके से जल्दी जल्दी हम लोग को फिर भाई के भी फंक्शन में जाना है। निकट मामी सारी रस्में जब ख़त्म हो गई थी तो हम लोग को टेरेस में लेके चले गए उन लोग और वहाँ बैठा के आराम से खिला रहे थे। और मैं एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर देखिए सामने में लाइटिंग सजी हुई है ना, वो गुड्डे मामू का घर है जी, और यहाँ दुल्हन का घर है एकदम सामने सामने। सारे जेंट्स और गुड्डे मामू और मेरे भाई वगैरह सब नीचे खड़े हुए थे, सब नज़र आ रहा था यहाँ से। बस जल्दी जल्दी खा के निपट के हम लोग यहाँ से निकले क्योंकि फिर हम लोग को हुज़ैफ़ा का फंक्शन स्टार्ट करना था। तो ये था आज का व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अच्छा, ये हल्दी का व्लॉग दो पार्ट में आएगा, ये व्लॉग वन है हल्दी फंक्शन का, व्लॉग टू इसी के बाद में डाल दूंगी। सो प्लीज़ व्लॉग में आगे बने रहिए। अल्लाह हाफिज़।